हमको ये बता दें कि मेडिसिन जो है हमको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखिए, बात यह है कि ये पर्सनल आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। हर चीज़ का इफ़ेक्ट भी होता है, साइड इफ़ेक्ट भी होता है। आप देखो कि आप जो करने चाह रहे हो आपके उसमें इफ़ेक्ट ज़्यादा है या साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा है, आपके लिए वर्थ क्या रख रहा है, वो रिस्क लेना है। कोई भी लाइफ में डिसीजन, आप देखो रिस्क और रिटर्न क्या है। अगर आपको रिटर्न है, आपको समझ आता है, आप करो, आप करने नहीं है तो आपको फजूल नहीं करो। इसके एक डोरियन येट्स हैं, ओलंपियन एक्स, उनका एक बड़ा फेमस इंटरव्यू है किसी कंपनी के साथ। तो उनसे बंदा पूछ रहा था कि आपका तो अभी ये करियर भी प्रॉपर ख़त्म कर चुके हैं, तो रियलिटी क्या आप बोलोगे एडवाइस। वो बंदा काफ़ी एक सोफिस्टिकेटेड लोगों के साथ काम करता था, डॉक्टर्स की टीम भी थी उसके साथ। तो वो ये बताता था कि जब वो फास्ट फूड खाता था हफ्ते में 3 बार, तो वो जो स्टीरॉयड लेता था, तो फास्ट फूड खाने से उसकी रिपोर्ट्स ज़्यादा गंदी आ रही होती थी बनिस्बत के वो जो हार्मोन्स ले रहा है। तो कहने की बात यह कि इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट और बड़ी चीज़ों के भी हैं। हर चीज़ नुकसान देती है। आप डिस्प्रीन भी ज़्यादा खा लोगे तो मसला होगा। राइट चीज़ राइट क्वांटिटी में करोगे तो सही है। प्लस आप अगर कंपेटिटिव बॉडी बिल्डिंग में जा रहे हो तो ये पार्ट एंड पार्सल है, ज़रूरी है। आप करना चाहते हो आपके ऊपर है, नहीं करना चाहते। जो दिखेगा वही बिकेगा। अगर आप एज ए ट्रेनर कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली थोड़ा बहुत यूज करते हैं, लेकिन आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, हम किसी को एडवाइस नहीं करते। हाँ। लेकिन हम रियलिटी बता रहे हैं, होता क्या है कि लोग करते हैं, ऐसा कोई बंदा नहीं है जो यूज नहीं। दूसरी चीज जो वैस भाई ने बताई वो क्लियर करता चलूं आप लोगों को, शायद आपको समझ नहीं आई होगी कि फास्ट फूड जो हम लोग खाते हैं ना, उसका अगर आप एक मंथ तक फास्ट फूड खा लें, एक मंथ तक स्टीराइड यूज कर लें, तो फास्ट फूड के स्टीराइड नुकसान जो है स्टीराइड से कंपैरेटिवली ज्यादा है। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि स्टीराइड की पूरी डब्बी आप खा जाए बोले कि यार नहीं, मतलब कह रहे हैं कि एक लिमिट में रहा कि अगर आप डोज ले रहे हो स्टीराइड की, कुछ फास्ट फूड आपको फायदा दे रही है, फास्ट फूड तो नुकसान ही दे रहा है। फास्ट फूड आप खा रहे हो तो वो आपको अल्टीमेटली नुकसान है। बहुत से लोग कुछ दाने हो जाते हैं स्टीराइड के दौरान फास्ट फूड खाने की वजह से, वो थोड़ा सा इनको बता दें क्या उसका मसला होता है, कि स्पाइस उनको खानी चाहिए या छोड़नी चाहिए, गंदे ऑयल वाली चीज़ें खानी चाहिए। यार देखिए, बेसिकली कोई भी मेडिसिन जब आप यूज़ करते हो तो हमारा जो लिवर है ना वो डिटॉक्सीफायर होता है, वो क्लीन करता है। तो जब आप ये चीज़ें यूज़ करते हो तो क्या होता है, उस पर स्ट्रेस पड़ रहा होता है बहुत ज़्यादा, उसका जो ALT वगैरह वो लेवल्स उसके बढ़ गए होते हैं। एक तो आप कुछ भी कर रहे हो, डॉक्टर से पहले अपने टेस्ट वगैरह करो, ठीक है। अगर पहली बात है आप अवॉइड करो, ये चीज़ें नहीं करो, हम आपको ये एडवाइस करते हैं। अगर आप प्रोफेशनल नहीं हो, करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन ये हम इसलिए बता रहे हैं किसी के भी काम आ जाए, आप रिपोर्ट्स अपनी देखो, डॉक्टर से कंसल्ट करो। जहाँ पे इतने पैसे लगा रहे हो, 1500 में सारे टेस्ट हो जाते हैं, आप अपनी देखो आप कहाँ से शुरू कर रहे हो, उसके बाद आप कहाँ पे हो, क्या आपको अप डाउन हुआ है, नेक्स्ट टाइम आप उससे लर्न करोगे। ये चीज़ें, दूसरी ये चीज़ के ये जो दाने वगैरह ये चीज़ें यही इन्हीं चीज़ों की वजह से होती हैं, रिएक्शन और आपके जो लिवर पे स्ट्रेस है। आप कोशिश यही करो मसाले और इन चीज़ों से कम करो, ताकि आप नुकसान अपने दूसरे ऑर्गन्स को नहीं दो। पर वैसे भी मसाले बॉडी बिल्डिंग में है ही नहीं, है नहीं। जे कटर ने कहा था कि मैं खाना खाता हूँ अपने पर्पज़ के लिए, ना कि पेट भरने के लिए, उसका मैं सुन रहा था। तो मतलब खाना खाओ अपने पर्पज़ के लिए, ना कि आजकल देखा जाता है यार जिंदा रहने के लिए खा रहे हो, सुबह का खाया शाम को पता नहीं है। तो ये भी जो टाइम की मिसमैनेजमेंट आप करते हैं ना, वो भी आपके लिए हार्मफुल होती है, क्योंकि हमारी बॉडी एक टाइम को ना सेलेक्ट कर लेती है। जैसे लोग सुबह उठते हैं 6 बजे, छुट्टी वाले दिन भी उठ जाते हैं, बाद में बेशक फिर सो जाएं। तो ये आपको अंडरस्टैंड करवाना है कि अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे तो सब कुछ आपकी लाइफ में अच्छा होगा। अपने इर्द गिर्द अगर आप पॉजिटिव इन्वायरमेंट रखते हैं तो आप पॉजिटिव बनेंगे, तो अगर आप बुरा इन्वायरमेंट रखते हैं तो वो फिर वो शेर वाली बात हो जाएगी, बकरियों के साथ रह के वो बकरी बन जाता है। तो आप शेर हैं, शेर बने, और शेर वाला जिगरा भी रखें, ये नहीं कि वो बकरी वाला जिगरा आप रखें। तो चलें, ठीक हो गया वैस भाई, थैंक यू सो मच, आप फिर आए, और आई होप आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा इस चीज़ से। और आपके जो भी कमेंट है, राय है, आप कमेंट में दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह और भी आपके जो क्वेश्चन हैं उनके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। दुआओं में मुझे और वैस भाई को याद रखिएगा। वैस भाई के इंस्टाग्राम की आईडी भी मैं डाल दूंगा नीचे, वो भी आप देख सकते हैं। उनको जाकर पर्सनल ट्रेनिंग अगर आपने लेनी है उनसे दुबई में, वो ले सकते हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग लेनी है वो ले सकते हैं, और मेरा साइड डिटेल आपके पास ऑलरेडी है। चलिए जी, वैस भाई, थैंक यू सो मच।